नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। दोस्तों, इसके लिए खेद है कि 3 दिन बाद मैं आपको जो है आपसे रूबरू हो रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम मैंने रिपोर्टिंग की थी उसके चलते है लगातार जो संघी लोग थे उन्होंने मुझे घेर कर जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर किया। ये जो सारा किस्सा है वो जंतर मंतर का है। जी हाँ, वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है हिंदू वाहिनी के लोग आए थे, वहाँ पर काफ़ी नौजवान थे, यहाँ तक कि बच्चे और महिलाएं भी थीं। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल करना शुरू किया तो वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे और मेरे ही नाम को पूछकर मुझसे भी जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मुझे मजबूर करने लगे। जी हाँ, इसी के चलते जब थोड़ा सा मैं अपसेट रही 3 दिन और मैं परेशान भी रही। परेशान इसलिए नहीं हुई कि मुझे डर लगा, मुझे डर नहीं लगा। मैं इसी तरीके से जो है निर्भीक होकर निष्पक्ष पत्रकारिता करती रहूंगी। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरीके से नौजवान ये इस आग में झोंक दिए जा रहे हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे ही समाज से आने वाले ये नौजवान हैं जो किसी पद पे कार्यरत होते वो आज संघी बनकर लगातार रोड़ों पर घूम रहे हैं। इस चीज़ का मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे डर इस बात का नहीं लगा है। मैं आज भी, मेरे हौसले बुलंद हैं और इसी तरीके से मैं निर्भीक पत्रकारिता करती रहूंगी और लोगों से सवाल पूछती रहूंगी। और मेरा काम भी यही है और इसीलिए मैं सवाल ज़रूर करूंगी। सवाल करना मेरा हक है, अधिकार है। और जिस तरीके से शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं, उनकी आवाज़ को मैं ज़रूर उठाऊंगी और उठाती रहूंगी। लेकिन इसी के चलते जो ये वीडियो वायरल हुआ ट्विटर पर, मैंने जब ट्वीट किया था तो वीडियो वायरल भी हुआ है, तो साथ ही जो सामने आए वो द लाइव टीवी से उन्होंने इस वीडियो को चलाया और दिखाया भी, लोगों तक पहुंचाया इस बात को कि किस तरीके से जबरन किसी को नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वहीं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया है, उसका भी मैं शुक्रिया करती हूँ कि उसने भी इस खबर को दिखाया और चलाया और बात रखी आप लोगों तक और दिखाया कि किस तरीके से लोग जबरन एक हिंदू को भी घेर कर पत्रकारिता का नियम कानून को भुलाकर किस तरीके से घेर लेते हैं। जो मेरे साथी लोग थे पत्रकार, उन्होंने एक पत्रकार का साथ दिया, जिस तरीके से पत्रकारिता पर लगातार चोट हो रही है उसी के सवाल को उठाते हुए बुलंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। अब जो है, अब रुक करते हैं आज की खबर की तरफ। तो आज की बड़ी खबर ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद पर अनावरण किया है प्रतीक चिन्ह का। जी हाँ, अशोक स्तंभ का। जिस तरीके से अशोक चिन्ह जो है लगातार खबरों में बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि उसकी जो अनावृति है, जो प्रतीक चिन्ह है, उसके मायने बदल गए हैं। जी हाँ, उस आकृति को लेकर जो लगातार बातें उठ रही हैं, वो इसलिए नहीं उठ रही हैं कि उसकी लंबाई इतनी है या चौड़ाई इतनी है, उसकी आकृति को लेकर जो है लगातार बातें उठ रही हैं। जी हाँ, उसकी आकृति और प्रतीक चिन्ह में जो बदलाव हुए हैं, उसके मायने पर बातें उठ रही हैं। लगातार जो लोग हैं अब तंज कस रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि अशोक स्तंभ मत बदलो। जी हाँ, जो उसकी आकृति है, आकृति को लेकर इसलिए बातें उठ रही हैं, जो अशोक द्वारा बनाई गई प्रतिकृति थी उसमें जो शेर है वो शांत मुद्रा में है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रतिकृति बनाई गई है उसमें शेर जो है बड़े आक्रामक और क्रोध रूप में दिखाया गया है। जी हाँ, इसको लेकर लगातार जो है बातें उठ रही हैं, लगातार जो है ट्विटर पे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारनाथ में अशोक द्वारा बनाई गई 4 शेरों की मूर्ति यहाँ प्रतिकृति दी गई है। जी हाँ, जो 4 शेरों की प्रतिकृति थी वो किस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली प्रतिकृति सारनाथ में तिब्बती बौद्ध मठ की है, यह अशोक द्वारा बनवाई गई मूर्ति की हूबहू नकल है। दूसरी प्रतिकृति किसी स्तंभ पर अशोक के समय बनवाई गई है। तीसरी प्रतिकृति साहब द्वारा बनवा कर सेंट्रल वेस्टा के छत पर रखी गई है। साहब द्वारा बनवाई गई मूर्ति नए शिल्प में है, इसे शेर गरजते हुए अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इसमें विध्वंस, विनष्ट और बर्बाद करने की झलक दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हनुमान की आंखें चढ़ी हुई क्रोधित तस्वीर कारों के शीशों पर दिखती हैं या फिर धनुष पर तीर ताने हुए राम की तस्वीर RSS के पोस्टरों में दिखाई देती हैं। जी हाँ, अब मैं बात करती हूँ इसी प्रतिकृति पे।
जिस प्रतिकृति अशोक द्वारा बनाई गई थी, जो प्रतिकृति शेर की, उसके ऊपर लगातार जो है बातें उठ रही हैं। जिस शेर की मुद्रा शांत दिखाई गई थी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस शेर की मुद्रा जो है वो क्रूर और विध्वंस वाली दिखाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच किस तरह की है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लगातार लोगों के सवाल उठ रहे हैं, लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर अपने विचारों को इस प्रतिकृति में प्रकट कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से ये शेर गरजते हुए दिखाए गए हैं, क्या प्रधानमंत्री जी यही दिखाना चाहते हैं कि एक देश का राजा जो है, अगर जनता उसके कानून और नियम नहीं मानेगी तो उसके साथ क्या होगा। इस तरीके की प्रतिकृति दिखाने के बाद जो है लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इस प्रतिकृति पर लगातार जो है डिबेटें भी हो रही हैं। लेकिन डिबेटें दिखाने वाले जो मनुवादी मीडिया है वो तो इसको सही बताएगा। वहीं मैं आपको एक बात बता दूं, जो इतनी पुरानी प्रतिकृति है, अशोक द्वारा बनाई गई प्रतिकृति, इतनी दशकों से पुरानी प्रतिकृति बदलने का आखिर मकसद क्या था, और बदला भी गया तो उसमें उस शेर का क्रूर रूप क्यों दिखाया गया, ये सवाल उठते हैं सबसे बड़े। लगातार इसी के साथ प्रधानमंत्री जी घेरे पे रहे। जी हाँ, उनको घेरा जा रहा है और लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है। लगातार लोग जो पूछ रहे हैं सवाल, वो यही सब हैं कि आखिर प्रतिकृति बदलने का मकसद क्या है। दशकों से आपने देखा होगा जो श्री राम के भक्त हनुमान जी हैं वो किस मुद्रा में आखिर दिखते थे, लेकिन अब आप उनकी मुद्राएं देखिए। जी हाँ, जिस तरीके से शहरों में गाड़ियां दौड़ती हैं, गाड़ियों के पीछे जो शीशे होते हैं आपने देखा होगा, किस तरीके से हनुमान की जो मुद्रा है वो दिखाई हुई है, किस तरीके से क्रूर रूप में हनुमान जी को पेश किया गया है। हनुमान जी की भौंय चढ़ी हुई है, आंखें एकदम लाल हैं, क्रूर रूप में दिखाया गया है। आखिर ये दिखाना और बताना क्या चाहते हैं। उसी के साथ अब जो है प्रतीक चिन्ह की बात आती है। अब प्रतीक चिन्ह जो है वो अब इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो अब ये भी खड़ा होता है, शहरों के नाम बदलने के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी क्या अब देश के प्रतीक चिन्हों को भी बदलने में लगी हुई है, या प्रतीक चिन्ह को बदलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं। लगातार जो है लोगों की उंगलियां उठ रही हैं, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रतीक चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या ये मानवीय भूल है या चूक है, या फिर जानबूझकर किया गया ये कृत्य है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का शेर है वो किस तरीके से क्रूरता दर्शा रहा है आप सामने देख सकते हैं। वहीं अशोक द्वारा बनाया गया ये प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं कितनी शांत मुद्रा में है, और सौम्यता से जो उसकी मुद्रा है वो दर्शाई गई है। जी हाँ भाई, आपको मैं दिलीप मंडल जी का एक ट्वीट पढ़ के बताती हूँ। ये लिखते हैं कि ये विवाद चूंकि मैंने शुरू किया है, इसलिए इस विषय पर निर्णायक बात भी मेरी ओर से। मैं आज खुद नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली जाकर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति देख आया हूँ। बाएं वाला मोदी का शेर है, दाहिनी ओर सम्राट अशोक के स्तंभ का शेर है। दोनों फोटो एक ही एंगल में हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? मोदी का राष्ट्रीय प्रतीक हिंसक है। जी हाँ, जो मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह की मैं बात कर रही हूँ, उसको हिंसक रूप में दिखाया गया है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाना क्या चाहते हैं? वहीं एक ट्वीट किया है, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृत काल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। सोचिए, जो मोदी जी का शेर है वो किस तरीके का भाव दर्शाता है, सब कुछ निगलने वाला और क्रूर और हिंसक बताया जा रहा है। वहीं आगे लिखा है, हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रतीकों से आमजन को दर्शाता है कि उसकी फितरत क्या है। सोचिए, अब जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी पर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्रतीक चिन्ह दर्शा क्या रहा है, आखिर उनका मकसद क्या है इसके पीछे। लगातार जिस तरीके से उस शेर को हिंसक
प्रतिकृति में दिखाया गया है, तो उसके पीछे की जो मंशा है वो इंसान की सोच को भी दर्शाता है। ये उस चिन्ह में साफ साफ दिखाई देता है। वही ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है और लिखते हैं, संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएमओ इंडिया को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष एलएस का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। पीएमओ इंडिया ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। जी हाँ, जिस तरीके से ये प्रतीक दिखाया गया है, सोचिए ये जो संदेश और मैसेज जाता है वो आम जनता तक क्या पहुंचाता है। यही कि एक क्रूर ही देश पर राज करेगा क्या? वही सत्ता में बैठकर इस तरीके से अगर हिंसक होकर दिखाए और प्रतीत हो, तो सोचिए आम जनता क्या बनेगी। तो सोचिए वो देश का नौजवान क्या बनेगा, जो गर्म खून और गर्म जोशी में रहते हैं, आखिर वो नौजवान क्या बनेंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रतीत हो रहा है इस शेर के द्वारा, तो वो अंदर की मंशा प्रतीत हो रही है। यही सब सवाल खड़े होते हैं और लगातार यही सवाल पूछा भी जा रहा है। आप पर इस सबकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़। शुक्रिया।